मैं कुछ भूल ना कर दूं, बस ये फेंक दीजिएगा और मुझ पे कृपा कीजिएगा ताकि मैं ठीक से बोल सकूं। हम मंगलाचरण की तो स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ये मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। हरे कृष्णा, आई होप सबको विजिबल होगा स्क्रीन। यस प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा, तो आज हम जानने वाले हैं कृष्णा एंड हिज डिवोटीज के बारे में। तो आज पहला दिन है, तो आज फर्स्ट डे में हम गजेंद्र मोक्ष लीला के बारे में जानेंगे। डे वन, स्टोरी ऑफ गजेंद्र। तो एक बहुत बड़े खीर सागर में बहुत सुंदर पर्वत जिसका नाम त्रिकुट है वो स्थित है। एक बहुत बड़े क्षीर सागर में त्रिकुट नामक पर्वत स्थित है। ये पर्वतों के बीच में जो वैलीज हैं ये सब बहुत सुंदर सुंदर जंगल से कवर्ड है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ और बहुत अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी सब सब है। और ये जो त्रिकुट नाम है इससे हम ये जान सकते हैं कि तीन तीन पहाड़ हैं, तीन पर्वत हैं। उन तीनों पर्वत के अलग अलग जो जो पीक्स हैं, एक पीक है सोने का और एक चांदी का और एक लोहे का, तो ऐसे इसका नाम पड़ा है त्रिकुट पर्वत। तो ये पर्वत का जो कह सकते हैं जो नीचे का पार्ट है वो जो पानी से यानी कि क्षीर सागर से बार बार टकराता रहता है। तो इस टकराने की वजह से यहाँ पे वो जो टकराने की वजह से एमरल्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। एमरल्ड्स एक टाइप के ज्वेल ज्वेल है वो प्रोड्यूस होता है। और ये वैलीज के बीच में बहुत सुंदर सुंदर जंगल है, एनिमल्स हैं, पक्षी हैं यहाँ पे। ओके okay. तो एक तो इन्हीं वैलीज के बीच में, इन पर्वतों के बीच में एक बहुत सुंदर बगीचा है, ऋतुमत नामक एक बहुत सुंदर बगीचा है जो कि वरुण को बिलोंग करता है। ओके तो ये गार्डन, ये जो बगीचा है ये फूल पत्तों पेड़ पौधों पक्षी सबसे भरा हुआ बहुत सुंदर बगीचा है। और इस बगीचे के बीच में और भी सुंदर एक लेक है, एक नदी है छोटा सा, और उसमें शाइनिंग गोल्डन लोटसेस, सुंदर सुंदर लोटस हैं। ओके उन उस जो नदी में सुंदर सुंदर लोटस है। तो एक दिन जो हाथियों के राजा है, लीडर, जो हाथियों के लीडर है गजेंद्र, वो अपने फैमिली और फैमिली मेंबर्स अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे। और गजेंद्र जो है वो बहुत ताकतवर थे, तो इसके चलते क्योंकि वो ताकतवर थे बाकी सारे जानवर उनको उनसे डरते थे, साथ ही साथ उन्हें रेस्पेक्ट भी देते थे क्योंकि वो उनसे क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है तो उन्हें रेस्पेक्ट करते थे और उनसे डरते भी थे। तो गजेंद्र इंटॉक्सिकेटेड हो रखा है, वो पूरा सबसे ताकतवर, सब उससे डरते हैं, सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। गजेंद्र
पूरा पेड़ पौधों को तोड़ते हुए चल रहा है, आराम से मस्त अच्छे से आगे बढ़ रहा है। तो फिर उसके बाद वो पहुंचता है, वो पहुंचते हैं इस नदी पर। इस नदी में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को बुलाते हैं और बहुत आनंद से पानी में अपने सूंड से पानी उछाल उछाल के खेल रहे थे, बहुत मजे कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, गजेंद्र को एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ ने बहुत जोर से, इतना जोर से ग्रैब, इतना जोर से उसके उनके पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनके सूंड को पकड़ लिया। वो गजेंद्र अपना सारा ताकत लगा दिए, लेकिन वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाए, बिल्कुल भी निकल नहीं पाए। तो बहुत जोर से बहुत ट्राई किए, बहुत ट्राई किए, नहीं हुआ, नहीं निकले। तो उनके, गजेंद्र की जो वाइफ्स है वो रोने लग गए कि गजेंद्र को एक मगरमच्छ ने ऐसा कर लिया है। तो फिर उसके बाद ये जो फाइट था, जो गजेंद्र और एक और मगरमच्छ अपने आप पानी में बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रहा है। तो ऐसा चलता रहा 1,000 साल तक, चलते 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 फिर गजेंद्र को रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे अपना सारा स्ट्रेंथ, सारा डिटर्मिनेशन, सब कुछ धीरे धीरे खोए जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं। और जो क्रोकोडाइल है वो पूरा फुल पैशनेट के साथ, पूरा एंथुजियाज्म के साथ उनके सूंड को पकड़ा है। फिर गजेंद्र को कुछ समय बाद जब फाइनली उनका सारा स्ट्रेंथ, सारा डिटर्मिनेशन, सब जो सब जब चला जाता है, सब होप जब चला जाता है, उनको ये रियलाइज होता है कि वो एक क्रोकोडाइल के क्लच में आ गए हैं, क्लचेस में आ गए हैं, बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, मैंने भगवान के विल के वजह से वो अब आ गए हैं क्रोकोडाइल के क्लचेस में, यानी कि क्रोकोडाइल उनको पकड़ के रख लिया है। और वो सोच रहे हैं अब तो मुझे यहां से कोई नहीं बचा सकता, तो मैं अभी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को, भगवान को मैं समर्पित करता हूं अपने आप को। तो जो गजेंद्र है वो प्रीवियस अपने पुराने लाइफ में एक वैष्णव महाराज थे, इंद्रद्युम्न महाराज करके उनका नाम था, वो वैष्णव महाराज थे। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज रिटायर कर गए अपने फैमिली लाइफ से, वो मलय हिल्स चले गए और उधर एक छोटे से कुटिया में रहने लगे। बहुत सिंपल लाइफ जी रहे थे और बहुत शांति से जी रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, अगस्त्य मुनि वहां पर आए इंद्रद्युम्न महाराज से मिलने। लेकिन अगस्त्य मुनि बहुत गुस्सा हो गए, क्यों, क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज पूरा शांत बैठे थे, उनको ग्रीट नहीं किए, उनको ग्रीट मतलब उनको वेलकम नहीं किए। तो इसलिए अगस्त्य मुनि बहुत गुस्सा हो गए। तो वे जो है इंद्रद्युम्न महाराज को कर्ज कर दिए, यानी कि उनको श्राप दे दिए कि तुम नेक्स्ट लाइफ में एक हाथी बनोगे, और हाथी बनोगे एक डल डम, एक इंटॉक्सिकेटेड, जैसे कि हम ऊपर सुने वैसा एक हाथी बनोगे। तो गजेंद्र को फिर याद आता है अपना प्रीवियस लाइफ, कि फिर याद आने के बाद कि वो कैसे भगवान को अपना लाइफ दिया था, वैष्णव थे वो। तो वैसे ही वो प्रे करते हैं कि मैं अपना मैं भगवान को समर्पित करता हूँ इस डिफिकल्ट सिचुएशन में। जो अपने घर रिलेटिव सबसे अटैच हैं उस मैं बस उन्हें समर्पित करता हूँ भगवान को, और मुझे इस मटेरियल लाइफ से बचाएं और मुझे जो अपना कृपा है वो बरसात करें, कृपा उन पे बरसाए। तो कृष्णा भगवान सबके प्रेयर को आंसर करते हैं, सबका सबका सुनते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं तो सब सुनते हैं वो। तो कृष्णा अपने कॉजलेस मर्सी के साथ
मतलब उनको जो बहुत कृपा किए, और जो मगरमच्छ है उसका सर काट दिए, आए गरुड़ के ऊपर बैठकर आए और अपने चक्र से जो है मगरमच्छ का सर काट दिए, और गजेंद्र को मुक्ति मुक्ति दे दी। इतने इतने दर्द में थे, 100 हजार सालों तक, 1000 सालों तक ये फाइट चलता रहा चलता रहा, और गजेंद्र इतना थक गए थे, पूरा अपना सब डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ सब खो चुके थे। फिर लास्ट में उन्हें भगवान याद आए, क्योंकि उनका लास्ट पास्ट लाइफ एक वैष्णव महाराज जैसा था, वैष्णव थे वो, तो उन्हें वो याद आया, इसीलिए भगवान आए, उनको उनको मुक्त किए इस पीड़ा से। इतने पेन में होने के बावजूद हम देख सकते हैं ये फोटो में कि कैसे गजेंद्र एक लोटस फ्लावर, इतना दर्द होने के बावजूद भी एक लोटस फ्लावर भगवान को ऑफर कर रहे हैं, हम ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इतना सब होने के बाद भी वो ऑफर करते हैं एक फ्लावर। तो यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल मिल सकता है कि जैसे हम अभी ऊपर जाने कि क्या था गजेंद्र का जो ये जो पास टाइम हुआ अभी यहाँ पे, जैसे गजेंद्र को पता चला कि वो एक जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसके क्लचेस में आ गए, एक मगरमच्छ उनको पकड़ लिया है। तो ये हम अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, कैसे जो मगरमच्छ है वो है माया देवी, और ये जो सागर है ये है भव सागर, यानी कि हमारा भौतिक संसार। तो जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो है माया देवी, वो हमको अपने जाल में फंसा कर रखती हैं और हम भी फंस जाते हैं। कैसे गजेंद्र कैसे इस नदी में घुसे थे कि एंजॉय करेंगे, हम भी यही सोच के यहाँ पर आए थे कि कितना एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी माया के जाल में फंसकर हम भगवान को भूलकर बाकी सब कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट जानेंगे, नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स आगे। तो जैसे ही भगवान ने मगरमच्छ का सर काट दिया, वो एक सुंदर गंधर्व के रूप में आ गए, वो अपना जो गंधर्व का रूप है उसमें आ गए। किंग हुट्टू वो पिछले अपने पास लाइफ में गंधर्व थे, जो कि जिनको श्राप मिला था देवल मुनि से, और वो इस लाइफ में एक मगरमच्छ बने। नेक्स्ट। हाँ, तो गजेंद्र इतना गजेंद्र तो पूरा खुश हो गए बहुत कि भगवान उन्हें आकर बचाए, और वो फाइनली इस मटेरियल बॉन्डेज से, इस सब इग्नोरेंस से सबसे फ्री हो गए, क्योंकि भगवान उन्होंने भगवान को भगवान ने गजेंद्र को डायरेक्ट टच किया था, इसीलिए जो है गजेंद्र इसे गजेंद्र मोक्ष लीला कहा जाता है। तो यहाँ पे अभी हम जानेंगे कि गजेंद्र कैसे हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गजेंद्र है वो हमसे काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इन्फ्लुएंशियल है, तो और वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो मगरमच्छ ने उनको पकड़ा था, वो बस यही सोच रहे थे कि कैसे वो इस मोमेंट से निकल जाए। क्या मोमेंट ना, बस कैसे वो मगरमच्छ गजेंद्र को छोड़े और गजेंद्र भाग जाए। हम सोचते हैं कि हम कुछ किसी मुसीबत में पड़ने से, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो हम वेट करते कब हमारा ये हाथ, अगर अगर इमेजिन कीजिए हमारा हाथ टूट गया, तो हम इमेजिन करते हैं, सोचते रहते हैं कब ये हाथ ठीक होगा, कब मैं वापस जाऊंगा, वो हमारे लिए खुशी का मोमेंट होता है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो इससे हम ये जान सकते हैं, ये लीला से हम ये एक पॉइंट जान सकते हैं कि ये जो हैप्पीनेस है, अगर हम अगर गजेंद्र जो है वो अपने आप फ्री हो जाते हैं, भगवान नहीं आते, तो ये उनका टेम्पररी हैप्पीनेस होता है, ना कि परमानेंट हैप्पीनेस। परमानेंट हैप्पीनेस उनको कब मिलेगा, जब भगवान आके उनको उद्धार करेंगे। तो अगर भगवान उनको उद्धार नहीं करते, तो अभी वो अगर वो फ्री हो जाते
जो मगरमच्छ से, तो वो अभी एक टेम्पररी हैप्पीनेस में रहते, फिर उसके बाद वापस अगर कोई मगरमच्छ उनको पकड़ लेता फिर वो हो जाता वापस गया, हैप्पीनेस टेम्पररी हैप्पीनेस गया। तो वैसे ही यहाँ पे भगवान उद्धार किए, इसलिए ये टेम्पररी हैप्पीनेस नहीं परमानेंट हैप्पीनेस बन गया। कृष्णा कहते हैं सर्वस्य चाह मृति सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके दिल में बसा हूँ, मैं ही रिमेम्बरेंस हूँ, मैं ही नॉलेज हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही फॉरगेटफुलनेस हूँ। तो कृष्णा ये कहते हैं कि जो गजेंद्र को याद है कृष्णा, कृष्णा के ही वजह से, और अगर कृष्णा याद नहीं आते तो वो भी कृष्णा की वजह से, क्योंकि कृष्णा कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं वही फॉरगेटफुलनेस है, वही रिमेम्बरेंस है। तो हम जो है हम भी कृष्णा को हमेशा भूल जाते हैं, हम भी कृष्णा को भूल गए थे, तो अभी हम इस भक्ति लाइफ में जो आए हैं कृष्णा के ही विल से आए हैं, क्योंकि कृष्णा चाहते थे वो हमको उनके बारे में वापस याद दिलाए। हम पास्ट लाइफ में कृष्णा को जानते थे, शायद जानते थे, भूल गए होंगे, इसीलिए कृष्णा इस लाइफ में वापस हमको याद दिला दिए। हाँ यहाँ पे लिखा है बट वी कैनॉट रिमेम्बर कृष्णा विदाउट द ग्रेस ऑफ कृष्णा आइदर, हम कृष्णा को ही कृष्णा के क्रिस मतलब कृष्णा के ही विल से रिमेम्बर नहीं कर सकते, मतलब कृष्णा अगर चाहेंगे तो ही हम उनको याद कर पाएंगे, कृष्णा अगर नहीं चाहेंगे तो हम उनको याद नहीं कर पाएंगे। पर गजेंद्र इतने सीरियस डिवोटी थे अपने पिछले लाइफ में, तो वो पिछले लाइफ में कृष्णा को प्लीज किए थे, बहुत खुश किए थे कृष्णा को अपने पास्ट लाइफ में। जैसे कि हम जानते हैं वो वैष्णव महाराज थे, और इस लाइफ में जब उनको श्राप मिला वो एक एनिमल के फॉर्म में, एनिमल के स्पीशीज में आ गए। तो कृष्णा को, लेकिन अभी कृष्णा तो कृष्णा है, कृष्णा को तो सब याद रहेगा, वो पास्ट में जानते हैं कि वो इतना अच्छा भक्ति कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया है, फिर कृष्णा उन्हें बचाने आते हैं। और कृष्णा ही गजेंद्र के माइंड में ये डालते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में एक वैष्णव महाराज था, एक वैष्णव था, महाराज नहीं, मैं वैष्णव था, और ऐसा ऐसा मेरा पास्ट लाइफ इतना अच्छा था, अभी मैं किस सिचुएशन में पड़ा हूँ, ये ऐसा करके कृष्णा ही उनको याद दिलाए। तो यहाँ पे हम जान सकते हैं गजेंद्र कितने, मतलब अगर देखा जाए तो इस लीला में और हम में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब लीला तो नहीं, मगर जो गजेंद्र का उस नदी में जाना, खेलना, खुशी टेम्पररी हैप्पीनेस के साथ खेलना, फिर दुख आ जाना जैसे कि मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया उनके सून को, ये टेम्पररी हैप्पीनेस चला गया, फिर वो सोच रहे थे कैसे इससे बाहर निकलेंगे, तो हम भी वैसे ही सोचते हैं कि आज अगर ये ठीक हो गया, हाँ फाइनली हैप्पीनेस, लेकिन फिर पता चलेगा कुछ समय बाद हमारा वापस कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगा, फिर वो टेम्पररी हैप्पीनेस वापस चला जाएगा। तो गजेंद्र एक हाथी है, और इस फॉर्म में भी कृष्णा की वजह से वो कितना, मतलब अच्छे से वो जो गजेंद्र प्रेयर्स, जो गजेंद्र जो कृष्णा को प्रे करते हैं, क्या प्रे करते हैं वो संस्कृत, पूरा प्रॉपर संस्कृत बोल रहे थे, क्योंकि कृष्णा जो है उनके हृदय में ये रिमेम्बरेंस, उनको याद दिला रहे थे ये सब पास्ट लाइफ के बारे में। तो तो यहाँ पे गजेंद्र हमको एक सच्चा बात मतलब सिखा रहे हैं ये कृष्णा की लीला के थ्रू। ये लीला भी देखा जाए तो कृष्णा के ही इच्छा से हुआ है, ऐसा मैं जब पहली पहली बार आया था मैं ऐसा ही समझ रहा था, ऐसा ही समझता हूँ कि जो कुछ भी ऐसा ही है एक्चुअली, जो कुछ भी लीला है वो कृष्णा ही, कृष्णा खुद चाहते हैं ताकि वो हम जैसे लोगों को सीख दे सके। तो यही यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष लीला के बारे में कृष्णा ये लीला रचते हैं, और गजेंद्र कैसे हमको सिखाते हैं, कैसे हमको बताते हैं कि कभी भी हमको
टेम्पररी हैप्पीनेस के पास नहीं भागना चाहिए। जो टेम्पररी हैप्पीनेस हमको उसके पास नहीं भागना चाहिए, परमानेंट हैप्पीनेस जो कि कृष्णा कृष्णा ही हमको परमानेंट हैप्पीनेस दे सकते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, ना कि टेम्पररी हैप्पीनेस मटेरियल वर्ल्ड के हैप्पीनेस के पास जाना चाहिए। तो गजेंद्र को क्यों कृष्णा का मर्सी मिला, तो अभी हम यहाँ पे जानेंगे क्यों उनको कृष्णा का मर्सी मिला, कैसे मिला। तो जब गजेंद्र अपना सारा सब अपना ताकत सब खो दिए थे, तो वो सब भूलकर वो उनको भगवान याद आ गए। फिर वो जो उनको दर्द हुआ था जो मगरमच्छ के द्वारा, वो उसको सहने लगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये फोटो में कैसे वो भगवान को इस पीड़ा में भी एक फूल ऑफर कर रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोलते हैं कि हम चाहे अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, एक फल पत्र फल कुछ भी, एक कुछ भी भगवान को अगर हम अर्पण कर देंगे ना, तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वही गजेंद्र कर रहे हैं, एक एटलीस्ट उनको एक फूल, इतना पीड़ा में वो एक फूल ऑफर करे तो भगवान कितना खुश हुए होंगे। हम तो उतना भी नहीं कर सकते, मैं तो नहीं करता हूँ ऑनेस्टली अगर बताऊंगा। बचाओ, मुझे अब मुझे आपके बारे में जानना है, मैं आपको याद करना चाहता हूँ, मुझे इस मटेरियल बॉन्डेज से निकाल दो। तो ये यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष लीला है कि मोस्टली ये लीला फोकस कर रहा है कैसे हमको मटेरियल बॉन्डेज की तरफ, मटेरियल हैप्पीनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी मैं बहुत पहली बार सेशन ले रहा हूँ, शायद अच्छे से नहीं लिया होगा, प्लीज अगर मैं कुछ गलत बोला हूँ तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। हरे कृष्ण आनंद। हरे कृष्ण अभिषेक तुझे दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सौ सौ दंडवत प्रणाम। पुलकित प्रभु की जय। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन रखिल, मते बहुत मने मो हार्ट टच कला। गोटे मेटेरियल हैप्पीनेस, गोटे शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस पचरे आमे न धाई कि कृष्णा पचरे धाई बा, सेटा ही जोटा मेसेज तुम्हें देले से बा ए स्टोरी रो मेसेज बहुत सुंदर लगले। आउ स्टोरी तो कहले विस्तार उपरे, बहुत विस्तार उपरे कहले। मु एडा फर्स्ट टाइम बोधे शायद अंकटा सुनथले अमरेन्द्र प्रभु ठारो। बहुत सुंदर स्तुति, जानिनी के मन रखछन्ति। हमें गजेन्द्र स्तुति भी बेले बेले चाहिले कोन करबे गाई पारिबे। फेमस प्रेयर्स ओके। थैंक यू पुलकित प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू। शिला प्रभात की जय।
हरे कृष्ण।